स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हो और जितने भी सॉल्ट हो, वो हमेशा क्या होंगे 100% आयन है। तो देखो ये जब जाएगा, नहीं देखो एच आयन और सी एल आयन में कन्वर्ट होता है, हो जाएगा ना। और जब ये एक ही साइड में जाएगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वन वे ही है। तो एक तरफ की रिएक्शन अगर चलती है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम किसमें हो सकता है, जो दोनों डायरेक्शन में पूछ सकता है। इसलिए वेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखो क्या है, ये कोई वीक एसिड, वीक एसिड है, क्या करेगा ये पूरा का पूरा नहीं डिसोसिएट। तो इसको कैसे बताया था हमने, कह रहे थे कि इस के को पहचानने के लिए हम लोग वहां पर केसी केपी केएक्स को पढ़ चुके थे। तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्या कहा, इसको हम लोगों ने के नाम दे दिया। यहाँ से क्या बन गया था, देखो सी अल्फा स्क्वायर और वन माइनस। तो इसी को हमने कह दिया था, इसी का नाम हो गया था, ये क्या बोला गया था, वर्ड डिसोसिएशन लाइस। और कह रहा था अगर हमारे पास ये हो जाए कि अल्फा क्या हो जाए लेस देन 2%, यानी कि 0.02% से कम होता, इसी में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाते थे और यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा नेगलेक्ट होता, तो इसकी वैल्यू को हम लोग 1 कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल जाता था, के इज इक्वल टू सी अल्फा। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था, ये क्या बोला जाता था, दिस वन नोन एज डाइल्यूशन। और जब डायल्यूशन लगा हुआ करता था तो देखिए इसी से हम लोग निकाल देते थे कि एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी। तो यहाँ से एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती थी, सी अल्फा। और इस वाले इक्वेशन से देखो अल्फा कितना आ रहा है, रूट ऑफ के ए बाई सी। और जब के ए सी होता था तो यही वैल्यू क्या हो जाती थी, अल्फा की जगह के बाई सी होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाता था, सी के या के ए सी ना। और जब इसी का हम पीएच निकालते थे तो पीएच की वैल्यू क्या होती थी, हाफ ऑफ पी ए ए माइनस लॉग ऑफ, देखो पीएच की वैल्यू आ जाती। ये कब की बात होती थी, जब अल्फा हमारे पास 2% से लेस होता है, इस वाले कंडीशन के। ऐसी हम लोग केबी के लिए भी निकालते, केबी का भी निकाला था, उसका हमने कैसे किया था, अगर बीओएच टाइप का तो ये कैसा जाता, बी आयन प्लस ओ एच आयन बनता था। यहाँ से देखो फाइनल बना देते, ये क्या बनता, ये के बी बन जाता। और के बी बन जाता तो क्या बना था, सी अल्फा स्क्वायर और माइनस, ठीक है। इसमें भी अगर अल्फा क्या हो जाता, 2% से छोटा हो जाता, लेस हो जाता, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया था, बोलो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा। और ये कब बना है, जब 2% से लेस है। तो इस वाले केस में क्या हो गया, देखो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, मैं अगर हम बनाते तो क्या था, इनिशियली जीरो था, C माइनस C अल्फा था, C अल्फा। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई थी ना। और इसी को जब हम अल्फा की ये वैल्यू रखा कर देते तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या हो जाता था, A B। तो जब पीओएच की वैल्यू यहां से निकालते थे तो क्या वैल्यू आती थी, बोलो हाफ ऑफ माइनस लॉग। तो देखो यहां से इसकी ये वैल्यू आ गई, ये सबको हमने डायरेक्ट किया था। अब जब यहां से पीएच निकालना होगा तो हमें पीएच निकालने के लिए क्या बताया जाएगा, बोलो पीएच कितना होगा, अब इसी को 14 माइनस कर देंगे, है ना, 14 माइनस जो पीओएच की वैल्यू था, उधर देंगे यहाँ से हमारे पास पीएच हो जाएगा, हो गया था। तो इसमें भी वैसे ही केस जैसे एसिड के लिए था वैसे ही बेस के लिए। तो के और के बी किसको नाम किए थे, ये क्या होते थे, डिसोसिएशन और डाइल्यूशन लोग अलग करते थे। फिर इसमें हम लोगों ने केस देखे थे, केस देखो कौन कौन से, तीन केसेस देखे, क्या होता था, एक होता था 10^3 और एक क्या था -8, कितना होता था 10^4।
10 10 की पावर 4 से बड़ा होता है और ये 10 पावर ऑफ माइनस 8 ये था ना। तो देखो k की वैल्यू क्या हो जब ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 4 एक केस ये बना था और एक केस हमने लिया था जब k k या kb क्या हो लेस देन 10 पावर ऑफ माइनस 8। देखो ये वाले केस में हमारे पास क्या होता था जब भी कम वाला केस होता है यानी ये वीक होगा है ना, k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वीक हो जाएगा और ये 10 की पावर माइनस 8 भी चल रहा है और 8 से भी छोटा है तो यहाँ पर हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर हमेशा डायरेक्शन ना लगा यहाँ हमेशा हम मान लेंगे यहाँ कभी सोचना ही नहीं क्या हो जाएगा सॉरी और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा जब ये वैल्यू हो जाती थी तो इसमें हमेशा लगा करता था क्या यहाँ पर हमेशा डिसोसिएशन ही लगे और डिसोसिएशन होगा डिसोसिएशन ना होगा तो हमेशा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यू निकाला करते क्वाड्रेटिकली सॉल्व करते थे और फिर हम लोग बता रहे और यहाँ के केस में हमारे पास दो सेट आ गए दो सेट देखो कौन कौन से थे कह रहा था यहाँ अगर 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर 4 के बीच का सेट रहा करता तो एक हमारे पास क्या रहता था एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता था और एक हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता था। कंसंट्रेटेड में हम लोग क्या लगा देते थे यहाँ पर तो अल्फा की वैल्यू आ जाती लेस देन 2% यहाँ क्या काम कर जाता था क्या काम कर जाता था बोलो यहाँ डाइल्यूशन का काम कर जाता लेकिन जब डाइल्यूट करते थे 2% से ज्यादा हो जाता था ये वाला क्या काम करता था बोलो ये डिसोसिएशन का तो देखो इस वाले केस में हमने क्या देखा था हमने HCl को लिया था नहीं इस एग्जांपल को देखो देखो HCl लिया था और इसका K हमने कहा था कितना है 0.1 यानी 10 के पावर माइनस 1 यानी pKa की वैल्यू कितनी हो जाती थी 1 हो जाती थी और इसी से हम लोगों ने दो केस बनाए कौन कौन से 1.1 मोलर के लिए और 10 के पावर माइनस 3 मोलर के लिए। इसमें हमने अल्फा निकाला था HIn निकाला था pH निकाला था इसके लिए हम लोगों ने अल्फा डैश निकाला था HIn निकाला था pH निकाला था। फिर ऐसे ही हम लोगों ने इस वाले केस में हम लोगों ने देखो क्या क्या किया था बताओ इसमें कौन सा एग्जाम्पल था इसमें हमने लिया था कि हमारे पास k जो हुआ करता था k की वैल्यू क्या होती थी 10 के पावर माइनस 9 लिया था और जिसको वीक एसिड जो HCN होता था तो HCN को हमने लिया था और इसका k कितना कहा था 10 पावर ऑफ माइनस 9 कहा था। तो अब हम तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से दो केस बनाए थे इसके एक कौन कौन सा एक 0.1 मोलर का और एक 10 पावर माइनस 3 मोलर का तो यहाँ देखो दोनों में एप्लीकेबल हो जाता इसमें आग बंद करके बोल देंगे यहाँ पर क्या लगेगा डायल्यूशन लगेगा। अब अच्छा चलो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं इससे बेस्ड कौन सी जैसे मान लो हम दे देते हैं HCN ही लिया है और HCN का K दिया हुआ है 4.9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 10 K कितना है 4.9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस और देखो एक बात याद रखो कि देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है log 2 की कितनी होती है ये देखो लिख देते हैं इसका ये नोट करेगा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4 log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.8 ठीक है जब इसको करोगे यहाँ पर 7 आया तो ये देखो k दिया हुआ है k दिया है इसका देखो क्या है इसमें कहा है कि जब 0.1 मोलर तुम HCN लिए तो इसका अल्फा बताना है इसका HIn बताना है
इसका OH आयन कंसंट्रेशन, इसका pH बता रहा है, इसका pOH। यहां देखो अगर इस केस में हमने ले लिया है 10 के पावर माइनस 3 मोलर HCN लिया होगा, तो इस केस में हमें बताना है अल्फा डैश बताना, इसमें H आयन कंसंट्रेशन होता है, इसमें pH बताना, इसमें OH आयन कंसंट्रेशन होता है और इसमें pOH होता है। ये देखो इसको करो और देखो यहां से ये इतनी बात है, तो हम लोगों ने एक ये वाला सेट कर दिया था कि वो सॉल्ट डाइल्यूशन का और डिसोसिएशन का दोनों हम लोगों ने एप्लीकेट। फिर देखो फिर एक चीज और हमने बताई थी, क्या हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बताया, आयनिक प्रोडक्ट वाटर में क्या रहा करता था, देखो H2O को अगर हम आयनाइज किया करते थे तो वो H आयन में और OH आयन में किया करता था, तो H आयन और OH आयन में जब ये जाता था तो यहाँ से क्या होता था, हमने कहा था कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होता था, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लेते थे तो वहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी रहती थी, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन देते थे ऐसे था, एक्वस सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आती थी, कॉपी में लिखते थे, ये रोज रोज नहीं लिखता है, पागल हो गए कुछ आता है इसमें, वही तो बोलो वाली प्रॉब्लम को लिखो, उसको करो सॉल्व करो यहीं बैठ के। देखो तो H2O इसमें हमने कहा था कि जब कंसंट्रेशन लिए थे तो कितना आ गया था, देखो कंसंट्रेशन इसकी लिया था तो कितना आया था 55.55, वो फिक्स आ गई थी ना, तो यहीं से अगर हम इसका K लिखते थे तो K कितना होता था, H आयन OH आयन कंसंट्रेशन और H2O, और H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती थी, इसी को मल्टीप्लाई कर दिए थे तो यही से क्या बना था, ये देखो H2O कंसंट्रेशन, इसी को मिला के हम लोगों ने KW बोल दिया था, KW बोल दिया था तो यही से H आयन और OH आयन मिला था, और वो टाइम जब OH आयन मिला था तो यही से हम लोग क्या कहते थे KW की वैल्यू क्या होती थी, देखो H आयन कंसंट्रेशन और ये OH आयन और यही KW के इक्वल हो गया, तो इसी की वैल्यू जब हम लोगों ने 25 पर निकाला था तो कितनी आ गई थी 10 टू द पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 14, हाँ ये 25 डिग्री सेल्सियस पर होता था, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आए, क्या KW क्या होता था H आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन, दिस वन इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ माइनस 14, ये कब की बात थी जब 25 डिग्री सेल्सियस पर बात थी, और यहीं से हमने निकाल दिया था KW इज इक्वल टू pH प्लस 14 BOH, इसकी वैल्यू कितनी होती थी 14, तो ये दो सेट हमारे पास कब काम करते थे जब 25 डिग्री सेल्सियस पर होता था, तो यहाँ से हम लोगों ने ये सेट कर दिया था। यहाँ से ये बात पता होगी, कभी किसी का H आयन पता हो तो OH आयन पता कर सकते हैं, है ना, pH मालूम हो तो POH मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये कब जब 25 पर होगा। तो एक देखो वाटर के बारे में बताया, वाटर का होने के बाद फिर हम लोग पीएच पर आ गए, पीएच पे हम लोगों ने कैसे निकाला था, पीएच पर हमने कहा था कि जैसे 0.1 मोलर HCl हो ऐसे से करते करते 0.6 मोलर तक हो, तो 0.6 के बाद जब 10 पावर ऑफ माइनस 6 मोलर HCl होगा तो हमने कहा था इससे अगर हम कम ले लेते हैं वो क्या हो जाता है, उसमें वाटर का भी कंसिडर, और यही से हमने देखा था एक नया नाम आता था कॉमन आयन, एक कॉमन और देखा था, और देखा था कॉमन आयन इफेक्ट भी देखा, देखो उसके बारे में भी जाने थे, एक होता था कॉमन आयन इफेक्ट, देखो इतनी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, देखो क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देखा कोई एसिड और उसके बारे में देखा, एसिड और बेस के बारे में रहता था, फिर हमारे पास एक चीज आती थी क्या होती थी कॉमन आयन इफेक्ट, वो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, फिर देखो एक चीज हमने पढ़ा था कोई भी वाटर के लिए KW या किसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला करते, ये देख गए ठीक है ना, और फिर हम लोगों ने अगला सेट हम लोगों ने देखा था कि पीएच की वैल्यू निकालना सीखा, पीएच की वैल्यू निकालना सीखने के बाद फिर हम लोग किस पे आ गए थे, देखो
सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट के बारे में हम दो बातें मिलेंगी, कौन कौन सी दो बातें थी? एक हमने देखा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता था। तो देखो एक क्वेश्चन से इसको हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको बहुत होता है। जल्दी से बता कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। पहली बात है कि 4.9 × 10⁻¹। अब ये इतना है, पहली बात तो यहाँ बंद करके जब इतनी कम वैल्यू आ जाए, इतनी बार कम वैल्यू आ गई उससे कम है कि नहीं, तो अब आंख बंद करके बात कर सकते हो ना, डाइवर्शन पर काम करेगा। अल्फा निकालो ना निकालो, निकालना हम चेक करो। अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे कितना होता है बाकी जाते हैं? ये ऊपर वाला बात में जाते हैं। ये देखो जो ऐसा चार्ट बनाया करें कि मेमोरी मैप तुम्हारे पास ही काम करेगा, लेकिन कभी भी वो रिवाइज करना होता है क्या क्या पढ़ा है। देखो ऐसे बेस के लिए कि पीछे कॉमन आयन इफेक्ट की प्रॉब्लम की थी, आयनिक प्रोडक्ट वाटर निकाले थे, पीएच निकाले थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाले थे। अब ये देखो यहाँ पर आ गए हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और फिर एक बफर सॉल्यूशन, कितने लोगों को पढ़ना है? फिर एक होता है बफर सॉल्यूशन, तो कितने चीज पढ़ना है? एसिड बेस थ्योरी हो गई, केएबी के बारे में जाने, कॉमन आयन देखो हम लोगों ने देखा, आयनिक प्रोडक्ट वाटर के बारे में समझा, पीएच की वैल्यू निकालना सीखा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में दो तीन पार्ट मिलेंगे, कौन कौन से? एक हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा होता है? जो लेस सॉल्युबल होता था, और जो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के नाम से। तो देखो वहां पर भी हम लोगों ने कर लिया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हमारा पूरा हो गया था। अब उसी में आते हैं, तो अब ये बस इसको कर लेते हैं, फिर ये हम सब इसे हम पूरा समझाना चाहते हैं, इसे हम पूरा समझाना चाहते हैं। हेलो हेलो क्या बोल, अभी क्लास में सारे आठ क्लास आते हैं, बोलो कौन बताएगा? ये बाकी मदद नहीं पर दिखाते हैं तुम्हें पता पड़ तो बी वाइज वाले रिएक्शन में जो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो अभी भी जिसको नहीं समझ में आया है कोशिश करो समझने क्या है कहा। ये जैसी हमें दिखा जैसी दिखा ये क्या बता रहा था, ये के बताया है HCN के बारे में, कितना है ये 4.9 × 10⁻¹। ये वैल्यू गिवन रहा था, ये मालूम है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं कि ये उसने दिया होगा। कहा के की वैल्यू इतनी है, और जब के की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो बताओ पीके कितना होगा? पीके का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ दिस वन। तो अगर इसको बनाए होते तो कैसे बनाते? देखो 4.9 है, तो अगर ये हटा दे तो 10 इधर हो जाता, एक वो तरीका था, ये बन जाता 49 × 10। अब जब इसी को सिंपलीफाई करने के लिए हमने दिया था पिछले केस में इतना 10⁻¹, ताकि जल्दी से कट कट जाए, लेकिन तुम्हारे पास जरूरी पड़ना है तुम्हारे हिसाब से देगा। मान लो ऐसे दे दिया तो k की वैल्यू 4.9 है, ठीक है, अब तक बन जाता, देखो नीचे से ऊपर जाता 10⁻¹ हो जाता, और जब इतना हो जाता तो यहाँ पर इसका लॉग लेते, देखो 49 का मतलब क्या है, 7² × 10⁻¹, ये तो मतलब है, और जब ये मतलब है तो इसका माइनस के साथ लॉग लेना है, इसका लॉग लो, तो इसका लॉग लिए तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 7 × 10⁻¹, ऐसा होता। अब माइनस साइन ले लो, माइनस ले लिए, माइनस को अंदर करो, अंदर ले गए तो क्या होता, लॉग 7 का 2 होता, पहले पहले माइनस बाहर दिखा देते थे, ये इतना होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 10⁻¹, ठीक है ना। अब देखो माइनस को अंदर करो तो ये क्या बनता, बोलो 2 हो गया, ये माइनस ऑफ 2 लॉग 7, और देखो ये माइनस ये भी हो गया ना,
माइनस माइनस प्लस 11 लॉग 10, लॉग 10 हट गया ना, 1 हो गया, तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 11 माइनस 2 लॉग 7 आ गई। तो इसकी जब देखो वैल्यू देखो कि तो 11 है माइनस ऑफ 2, और देखो लॉग 7 की वैल्यू हमने कितनी बताई, ये देखो क्या दे रहा है, ये पीके दे रहा है, पीके की वैल्यू आ रही है, पीके की वैल्यू निकाल लो आ गई, लॉग 7 की वैल्यू ना 0.8 वही रख रख दिया है, यहाँ लॉग 7 की है, ये कितना है देखो 11 माइनस 2 इनटू 0.8 तो एक चीज आती है हमें बात समझ में नहीं आती, एक ये होता है और एक होता है हम समझने की कोशिश नहीं करते, है ना, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, बात ये समझ में नहीं आएगी ठीक है, लेकिन जब हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम समझ नहीं सकते, ये खुद के उसमें होता है, अगर हम खुद ही नहीं चाहते हैं तो हम नहीं समझ, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो साइंस का सब्जेक्ट ऐसा होता है हमें अभी नहीं आता है तो इसको लॉजिकली इसलिए समझाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कॉन्सेप्चुअली होता है, बस करने कुछ नहीं, भाई उसने कहा कि एसिड पे कुछ मैथमेटिकली वैल्यू निकालने के तरीके, के जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, के जिसकी कम वो वीक एसिड होगा। अब कह रहा है चूंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम बचना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम हटाना वो लगाना चाहते हैं, लगाना क्यों चाहते हैं ताकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़े, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, तरीका ये करते हैं कि अब अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, कार्टिफिकी करते हैं, इसकी कंपेयर में उसको नेगलेक्ट करें, तो आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा खेल क्या है, अगर ये सीख गए कि किसको नेगलेक्ट करते हैं खूब आराम से हमें आकर छोड़ते हैं, अगर नेगलेक्ट करना नहीं सीख पाए तो फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पल्ले नहीं पड़ेगा ये वो क्या रहा कहाँ पर ये ठीक है, हाँ ये 10^4 माइनस फोर था, माइनस फोर था, टेन पावर माइनस फोर से देखा छोटी वाली, तो ये जितनी होती थी ये स्ट्रॉन्ग वाली एसिड में आती, और ये 10^-8 सब पुराना ही है, कोई नया नहीं इसमें बता रहे, तो पुराना है ना, इसके बीच की जो वैल्यू होती तो इसी को हम लोग कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड में लिखते हैं, तो कह रहा है अच्छा देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 10^-10 ग्रेड में है ना, 10^-10 यानी इससे बहुत छोटा है, और छोटा है तो यहाँ पर ये डाइल्यूशन ही लगेगा, और जब डाइल्यूशन लगेगा अब चेक भी करना होगा तुम कर सकते हो क्या, इसके अल्फा निकाल लो, अल्फा क्या हो जाएगा K/C होगा, और ये कितना है देखो 0.1, K की वैल्यू कितनी है देखो 4.9 × 10^-10, और यहाँ पर कितना है 0.1, देखो इसको करते हैं तो कितना आ जाता है, कितना आ जाता है ये बोल दिया 7 × 10^-5, इतना छोटा देखो है कितना अल्फा छोटा हो रहा है, यानी तो आराम से काम करता है, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ गई है 7 × 10^-5, तो कह रहा है एच आयन कितना होगा सी अल्फा होगा, सी भी मालूम है अल्फा भी मालूम, तो यहाँ से हम निकाल दिए तो सी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, H आयन C अल्फा है और C कितना आ गया है तो 7 × 10^-5, और अल्फा ये तो अल्फा की वैल्यू और C कितनी वैल्यू है 0.1 तो कितना हो जाएगा 7 × 10^-6 H आयन हो गया कि नहीं, H आयन की हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 7 × 10^-6 हो गई, अब देखो OH आयन निकालना
तो OH आयन निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे? देखो हमारे पास H आयन और OH आयन कितना होता था, 10^-14 होता था। तो हमें H आयन पता है, OH आयन पता करना है। OH आयन पता करना है तो हम क्या करते हैं, 10^-14 डिवाइडेड बाई कितना आया था, H आयन 7 × 10^-, ये हो गया। अभी तो भी कुछ और नहीं निकला, बस इतनी वैल्यू जैसे देखो कैलकुलेशन बाद में, ये कितना हो गया 7 × 10^-, ये हो गया। तो कह रहा है अच्छा पीएच बता दो, सॉल्व कर दो। तो देखो एच आयन मालूम है, और एच आयन मालूम है किससे, पीएच आ जाएगा कि नहीं, माइनस लॉग एच आयन से कंसंट्रेशन। देखो ओएच आयन आया है, ओएच आयन से ही तुम फार्मूले से पीओएच निकाल सकते, लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला दिया था पीएच निकालने का। pH is equal to क्या होता था, pOH half of pKa minus log of C। अगर हम यहां से निकाल दें तो देखो pKa अभी निकालेगी नहीं, pKa कितना आ गया है, ये देखो pKa की वैल्यू आई है। तो अगर ये वैल्यू रखे होते तो ये देखो क्या होता, pKa की ये वैल्यू रख दो कितना है 11 − 2 × 0.84, ये हो गया। और माइनस ऑफ लॉग सी, सी कितना था 0.1, 0.1 का मतलब, 0.1 का मतलब 10^-1 10^-1, और ये माइनस 1 आएगा पी प्लस 1, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ पी के 11 − 2 × 0.84 और प्लस 1, ये कर दोगे और ये तुम्हारा पी यहां से निकाल दो, चाहे वहां से निकाल दो। तो ये ऐसी केस यहाँ पर कर लें तो और डाइल्यूटेड हो गया, तो यहाँ से भी आ जाएगा, तो चाहे पीएच पीओएच कुछ भी निकालना हो सकता है, इसको ट्राई करना करना नहीं आता है हमको, सब लिख लो, इसको तुम लोग अपना घर में करना। हमने एक पे केस किया दूसरा केस, अब देखो फिर हम लोगों ने कॉमन आयन देखा था, कॉमन आयन देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्या है कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक देखा था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, तो देखो जेई और नीट वगैरह में आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए काफी मेहनत करनी है ना। जैसे ही 11th का 12th में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो करते हैं सोचते हैं देखो। तो देखो हम लोग जो करंट चल रहे थे किसमें चल रहे थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम के एक चीज, उसको देखो जल्दी से हम देखो पूरा डिवाइड करते हैं। एक हमने देखा था क्या होता था, देखो सॉल्ट होता था, कॉमन आयन की कंडीशन क्या थी कोई बताएगा, हाँ नॉन रिएक्टिंग वंस फ्रॉम एन अदर, इधर देख के बोलो एक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ क्या क्या होता था कॉमन आयन था, क्या ये क्या करा करता, इसका मेन रीजन क्या होता था कोई बता सकता है, ठीक होता था, हाँ मतलब उसका आयनाइजेशन ऑफ सरफेस होता था, क्या था कॉमन आयन इफेक्ट, क्या था कह रहा था कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, एक स्ट्रांग होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कह रहा था उसमें क्या होता था जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था वो पूरा का पूरा आयनाइज होता था, पहली कंडीशन क्या होती थी दोनों इलेक्ट्रोलाइट नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए इन दोनों के पास कुछ कॉमन होना चाहिए, तीसरी बात क्या होना चाहिए एक स्ट्रांग होगा और एक वीक होगा, तो बी का आयनाइजेशन और सप्रेस हो जाता है और कम हो जाता था उसका आयनाइजेशन, इसी को बोला करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो एक हमने देखा था सॉल्ट होता था, सॉल्ट होता था तो सॉल्ट हमने कहा था कि ये दो तरीके की होती है सॉल्युबिलिटी, एक जब सॉल्युबिलिटी नहीं होती है ना के बराबर होती है उसको हम लोग बोला करते हैं वो लेस सॉल्युबल, एक्चुअली होता क्या है कि जो सॉल्युबल ही नहीं होता है तो हम लोग अगर प्रैक्टिकली कहते हैं जो सॉल्युबल नहीं है
उसको हम लोग थ्योरेटिकली बोल देते हैं, वो कुछ कुछ ना कुछ तो सॉल्युबल होगा थोड़ा, तो उसको बोला करते हैं वो स्ट्रैंगली सॉल्युबल होते हैं। उनको कैसे बोला करते हैं? स्ट्रैंगली सॉल्युबल, स्ट्रैंगली सॉल्युबल होंगे। और एक क्या होंगे? जो पूरे डिसॉल्व हो जाएगा, जो पूरा ज्यादा मोर सॉल्युबल होगा, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस के नाम से पढ़े, हाइड्रोलिसिस बोला करते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। और एक होते हैं ऐसे साल्ट होते हैं जो कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल, तो उनको हम लोग पढ़ा करते थे किस नाम से? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो मतलब बीच में होते हैं, हाँ, जो कम होते हैं, जैसे चाप को पानी में घोलते हो तो ये कम डिसॉल्व होता है, बोला करेंगे ये लेस सॉल्युबल, ये स्ट्रैंगली बोला करेंगे। और जो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, जैसे नमक है, नमक को पानी मिला दिए तो क्या है? बोले जाएंगे हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नाम की चीज भी करते हैं। ये क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है, दिस वन इज मोर सॉल्युबल होता है। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ग्रेड पढ़ने से पहले देखिए, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता था जिसको हम लोग KSP से दिखाते थे। इसको डिफाइन करने से पहले सॉल्युबिलिटी बताया, सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, इसको क्या होता था? हाँ, कि एक लीटर वाटर पानी में कितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग बोला करते हैं ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी दो तरीके से आती है, एक ग्राम पर लीटर और एक मोल पर लीटर, इनका इंटर कन्वर्जन देखा। फिर क्या होता था? सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरीके के मिला करते थे। एक क्या होता था? एक सैचुरेटेड होता था, एक हमारे पास अनसैचुरेटेड होता था, और एक हमारे पास सुपर सैचुरेटेड, है ना? तो कैसे डिफाइन करते थे? सैचुरेटेड कौन होता था? जितना मैक्सिमम चाहिए सॉल्ट वो उतना डिसॉल्व है, उतना अमाउंट, तो इसको हम लोग बोला करते थे ये सैचुरेटेड। जितना अमाउंट चाहिए उससे कम अगर डिसॉल्व है तो बोला करते थे ये अनसैचुरेटेड, और जितना उसमें चाहिए था सॉल्युबल होने के लिए उससे ज्यादा हमने कर दिया है, इसको बोला करते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो तीन तरीके के हमने सॉल्ट बताए। फिर हम लोगों ने क्या किया था? फिर यहां से हम लोगों ने केएसपी निकाला था। केएसपी कैसे निकाला था? देखो, कह रहा था जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इन सब की हमें क्या दिया जाएगा? केएसपी बताया जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं? इसको आयनाइज करो, ये वैसे भी लेस सॉल्युबल है, और जब लेस सॉल्युबल है तो कैसे जाता? Ca+2 और कार्बोनेट जुड़ता। तो यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती? कैसे होती? तो ये क्या था? S था, इनिशियल सॉल्युबिलिटी S थी, तो यहां पर क्या था? 0.0 था। यहां पर इसकी S हो गई, और ये S- माइनस सॉल्ट है, पूरा का पूरा चला गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। अगर इसका K बनाते तो क्या होता? ये क्या बनता? Ca+2 और कार्बोनेट, और क्या होता? कैल्शियम कार्बोनेट, और इनका वेट, और ये हम निकालते हैं ये कांस्टेंट रहता है, मतलब पूरा खत्म नहीं हो गया। तो अब ये इससे मल्टीपल करा देते थे तो यही के CaCO3 बनता था, और इसी का Ca+2 और कार्बोनेट करा करता था ना। जब ऐसा रहता था तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? इसी को हम लोगों ने KSP बना दिया था। तो KSP में खास बात क्या है? केवल आयनिक फॉर्म रहा करेगा, केवल आयन वाले का स्पीकर, और कोई टर्म नहीं आता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP हमने देख लिया। तो हमने जनरलाइज करके किया, हमने कहा अगर AX BY टाइप का हो और इसकी सॉल्युबिलिटी बताना हो तो कैसे करा करेंगे? जो कैसे करते थे, क्या है? A पर है, बोलो X, देखो A के कितने एटम है? X है, B के कितने एटम है? Y है, तो ऐसे बनता था। और जब ऐसे बनता था तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते थे? इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S होती तो कितने एटम है? XS. इसकी क्या है? Five. अब कह रहा था इसका अगर हम KSP निकालते तो कैसे बनाते थे? A पर प्लस वाई,
एक्सपोनेंट ऊपर चला जाता था, ये देखो b माइनस x पावर ऑफ y, तो देखो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, xs पावर ऑफ x, और ये देखो क्या था, xs y, ys पावर ऑफ y, तो क्या बना था, x पावर y, s पावर ऑफ x, ये क्या थी, ksp थी, किसकी, ax by के साथ, जनरलाइजर के लिए फिर क्या कहा था, ये देखो ये सॉल्युबिलिटी और ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इन दोनों में से कोई एक दिया करेंगे या दूसरे को क्या करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी बता देंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में एप्लीकेबल कौन सा होगा, मोल पर लीटर वाला करेगा, है ना, ग्राम पर लीटर काम नहीं करेगा, तो हम देंगे क्या, ग्राम पर लीटर, तो हमें पहले कन्वर्ट करना होगा मोल पर लीटर में, वो एसआई यूनिट, तो उससे वो काम करेगा, समझे, अगर ये दिया है इसको निकालना है, इसी वाले केस में हम लोगों ने ये सब देखा, फिर एक इसमें और चीज आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, एक होती थी आयनिक प्रोडक्ट, देखो आयनिक प्रोडक्ट भी समझ लेते हैं, इसके वाले एग्जांपल को हमने देखा था, कहाँ देखा था, बताओ कैसे दिया था इसको, हमने क्या कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड लिया था, है ना, और क्लोराइड को हमने पहले कहा था कहाँ, प्योर वाटर में इसको डिजॉल्व करते, प्योर वाटर में जब इसको मिलाते हो, पूछा था ये बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी, यहाँ पर क्या कह दिया था, CaCl2 जो है इसका K दिया था कि 2 × 10⁻¹⁰ ग्राम पर लीटर, ये देखो 10 था ना, K कितना दिया था, ये क्या था, तो कह रहा है प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बता दो इसकी ग्राम पर लीटर में और मोल पर लीटर, ये केस करें थे हम लोग, देख लो प्रॉब्लम, देखो जल्दी से, हां सब ठीक है, फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था, दूसरा किसमें लिया था, 0.2 मोलर, बताओ ये कुछ नहीं, 0.2 मोलर HCl में मिलाया, वो पूरा क्वेश्चन ही प्रॉब्लम लिख के होंगे ना, तो दिए थे हम प्रॉब्लम में, तो इसमें देखो देखो ये प्रॉब्लम तो नहीं करते थे, हाँ
ऐसे कहा था जैसे मान लीजिए ये तो पहले चल पहले पहले ये प्रॉब्लम नोट करो कैल्शियम कार्बोनेट इसका के दिया टू इसको प्योर वाटर में हमें बताना है क्या बताना है कह रहा है फाइन प्योर वाटर में क्या है सॉल्युबिलिटी बताना है फाइन सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर फाइन सॉल्युबिलिटी इन पहला केस है प्योर वाटर में होगा किसमें किसमें ग्राम पर लीटर में बताओ एंड मोल पर लीटर में दूसरा ये कहा है के दिया टू इंटू टेन पर माइनस पहले ग्राम पर लीटर का मतलब है आपसे मोल पर कैल्शियम कार्बोनेट का ये देखो दिया है और इसमें देखो क्या क्या पहले लिख देते हैं 0.1 मोलर पहले पूरी प्रॉब्लम है जो कि नॉट CaCl2 लेते हो तीसरा केस लेते हैं एसपी इतना है इतने ये केएसपी क्या केएसपी केएसपी ऑफ तो फाइन सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बताओ इसमें किसमें किसमें बताना है इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर किसमें किसमें प्योर वाटर में पहले बताओ फिर इसमें बता दो और फिर 0.2 मोलर Na2CO3 में बता दो फिर कहा था 0.5 मोलर NaCl तो इसको नोट करो पहले ये देखो ऐसा दिया है देखो प्रॉब्लम क्या है फिर से समझो केएसपी का यूनिट कौन है केएसपी का यूनिट है ठीक है ये यूनिट लेस होगा तो देखो यहाँ पर जब होगा हमारे पास कैसे दिया जाए केएसपी पता है 2 × 10⁻¹ और कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी बता दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम है सॉल्युबिलिटी बताओ इसमें इन ग्राम पर लीटर पहला केस क्या है प्योर वाटर में बता दो दूसरा क्या है इतने मोलर अगर CaCl2 रखा हुआ है उसमें बता दो और तीसरा क्या है ये प्रॉब्लम नहीं लिखे थे पिछली क्लास में पहले ये पूरा क्वेश्चन है इसी टाइप की बहुत से तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम मिला करें पहले अच्छा ट्राई करो कि कौन सा आता है पहले वाली में पूछता है फिर ऑर्डर में प्रोडक्ट में पहले कितना उत्तर है कुछ पूछता है ना पर चेंज होता है क्या है कोई वर्किंग बताए ना जल्दी से बताओ कोई वर्किंग बता दे इसके लिए बता कैसे करेगा कांस्टेंट रखता है तब तो फिर ये जो कांस्टेंट और
मोल पर लीटर निकालना है फॉर्मूले में जब भी अप्लाई होगा वो जो फॉर्मूले से लेकर वो मोल पर लीटर निकाल सकते हैं मोल पर लीटर निकालेगा तो और हमने कन्वर्जन बताया कन्वर्जन बताया ना देखो ऐसे बताया देखो ग्राम पर लीटर था और मोल पर लीटर ये देखो इन दोनों यूनिट से कैसे कन्वर्जन कर देखो जैसे ये ग्राम पर लीटर में आया ना ग्राम पर लीटर में तो ग्राम पर लीटर में इसका मतलब क्या है एक लीटर में इतने ग्राम उसी को हम लोग बोला करते हैं ये ग्राम पर लीटर है और इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो मोल में कन्वर्ट करो ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देगा फिर क्या है हमारे पास हम क्या करें डिवाइड कर देंगे इससे मॉलिक्यूलर वेट्स और अगर मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर चाहिए तो हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट्स ये भी कराया था हमने सारे के लिए कर दिया था आया तो आंसर आया होगा तुम्हारा आंसर आया बताओ जल्दी से बताओ सही गलत कुछ भी हो हमें उसको डेल माइट का सही का सही का हां 1.4 केस में प्योर वाटर में पहले केस में आ रहा है हां वो कौन सा ग्राम पर लीटर का है कि मोल पर लीटर का आ रहा है 1.5 या 3.5 कर देखो कोई बात नहीं करो देखो अब देखो इसको करना है तो क्या करें हम सीधी सी बात ये देखो कैल्शियम कार्बन है इसको जब तुम करोगे तो ये कैल्शियम आयन में और कार्बोनेट में मिलेगा ऐसा हुआ और जब ये ऐसा टूटा तो यहाँ पर क्या था मान लो ये एस था स्टार्टिंग में जीरो था इसकी सॉल्युबिलिटी एस होगी यहाँ पूरा खत्म हो गया तो ये देखो क्या बना दिया इसका के निकालोगे तो के क्या बनता CA प्लस ब्रैकेट CO3 माइनस 2 देखो और फिर यहाँ पर CO और CA3 ये होता और इसको हम यहाँ पर ले गए थे यही तुम्हारा KSP बन गया था जब के और कैल्शियम कार्बोनेट भी हमने 40% यहाँ पर कैल्शियम प्लस 2 आयन एंड कार्बोनेट माइनस 2 आयन ये बन गया और जब ये बन गया तो यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी SS क्वेश्चन से हमारे पास क्या बना देखो S बना S बना ये क्या है KSP की वैल्यू क्या हो गई S स्क्वायर हो गई इसने पूछा क्या था सॉल्युबिलिटी बता दो तो सॉल्युबिलिटी बता दो यानी कि S बता दो रूट ऑफ KSP हो जाएगा और KSP कितना दे दिया था ये देखो रूट 2 दे दिया KSP की वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁻¹⁰ था तो रूट 2 की वैल्यू कितना होता है 1.41 ये कितना बन गया 1.41 × 10⁻¹⁵ ये किसमें यूनिट आएगी फार्मूले से निकाल लो ये किसमें मोल पर लीटर में ये मोल पर लीटर मोल पर लीटर में कितनी आई 1.3 × 10⁻¹⁵ तो कह रहा अच्छा ग्राम पर लीटर में कितनी बनती है तो ग्राम पर लीटर में क्या होता है देखो मोल पर लीटर में आ चुकी है ग्राम पर लीटर में निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है देखो 1.43 × 10⁻¹⁰ ये किसमें है ग्राम पर लीटर ये किसमें है मोल पर लीटर तो इस केस में हमारे पास ऐसा हो गया
अब कह रहा है हमने इसमें पहले से डाला हुआ है कि कोई सॉल्यूशन बनाया है उसमें ये CL2 पहले से इतना डाल दिया है। अब जब ये इतना डाला हुआ है तो अब उसकी हम सॉल्युबिलिटी बताना चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब पहले CaCl2 पहले से पड़ा हुआ है और उसमें अब कैल्शियम कार्बोनेट अब डाल रहे हैं तो अब देखेंगे उसमें हम मिला रहे हो तो अब कितना सॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट ये देखो कौन है कैल्शियम कार्बोनेट चार लिया और ये क्या है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड को हमने पहले से मिला रखा है पानी में एक ग्लास लेते हो जैसे उसमें पहले से हमने मिला रखा। अब उसमें फिर हम चेक करते हैं अभी तक हम क्या देख रहे थे हम पानी में डायरेक्ट CaCl3 को डाल रहे थे और चेक करते थे सॉल्युबिलिटी कितनी दे रहा है। अब हमने क्या किया उसमें पहले से मिला रखा है इतने मोलर CaCl2 अब देख रहे हैं तो क्या होगा क्या कह रहे हैं अब क्या लगाएंगे अब कॉमन आयनिक देखो उसके पास भी कैल्शियम है यहाँ वाले में भी कैल्शियम तो अब कॉमन आयन देख लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट रहा देखो देखो कॉमन आयन इफेक्ट में निकला है कैसे करते हैं और क्या होना चाहिए जिसका पीएच भी दिया है वो इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए और उसमें देखो क्या क्या आता है तो हम उसको इक्वेशन में करके की वैल्यू निकालते हैं। क्वाड्रेटिक में आएगा क्वाड्रेटिक से बचाने के लिए हम लोगों ने ये लगाया है कॉमन है कैसे करें देखो क्या है CaCl2 है ना CaCl2 तो ये देखो क्या है ये देखो ऐसे जाएगा कि नहीं ये पूरा का पूरा टूट के निकल जाएगा देखो कितना था 0.1 था और जब 0.1 था तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.1 और ये देखो कितने हो गए 0.2। अब जरा इसको देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो लेते थे तो इसमें देखो क्या था जो कैल्शियम कार्बोनेट देखो इधर ऑरेंज होने देखो जो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने दिया ना और इसका हमने देखा इसका हमें मान लिया कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है कुछ है जो अभी निकाल के लाए हो पता नहीं हमने कितनी तो ये जो सॉल्युबिलिटी अगर इसकी S थी इसकी भी कोई ये देखो ये लिया कितना था हमने टू लीटर वाटर में इसको अब इसको चेक करना है इसके पास कॉमन आयन ये वाला मिल जा रहा है तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है S थी तो ये क्या क्या हो जाता मान लो ये SS बनता ऐसा बनता ना हाँ। और देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी अभी निकाल के लाए 1.41 × 10⁻⁵ रेंज इतना है मोल पर लीटर 10⁻⁵ में और जब ये कॉमन आयन हो जाएगा तो और कम हो जाएगी कि नहीं इसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि वो और कॉम्प्रेस हो जाएगा और जब और कम हो जाएगी तो ये कह रहा है देखो देखो ये तुम्हारे पास क्या है एक पैसा है और ये देखो तुमने कितना लिया 10⁻⁵ 10⁻⁵ का मतलब देखो पॉइंट एक पैसे के लिए इस वक्त तो इसके कंपेयर में ये ले रहे
इसकी कंपेयर में 0.1 के रिस्पेक्ट में देखो इतना तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी है अभी किसके रूप में एस ले रहे हो, लेकिन यहाँ तो अलग होगी ना दूसरी, और कम हो जाएगी, और जब और कम हो जाएगी तो इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये कहा मैं तो समझ में आ रहा है कि बढ़ाए जा रहे हो बस, मतलब अभी आ रहा है 5 मिनट। तो ये देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो कितना था, कुछ ऐसा ही होगा कैसे, पर ये नहीं समझा, ये सब नहीं समझा। नहीं इतना इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो हमें क्या लगाना है, इसमें फार्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है ये बता। ये देखो क्या होता है, KSP कैसे निकाला था, KSP जो होता था कैसा बना था, ये कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन, इसी का तो था। तो कह रहा है इसका ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए, कौन सा ये KSP दिए ना इतनी है, KSP हम यहाँ रख देंगे 20 × 10⁻¹। अब बस ये निकाल दें कैल्शियम आयन कितने और ये निकाल दें कार्बोनेट आयन कितने, ठीक है, कार्बोनेट आयन कितने है सॉल्युबिलिटी। तो बड़ा अच्छा देखो, तो कुछ पल्ले लेने पड़े तो चुपचाप सुनते बस रहो, कान खुला रख बोलो नहीं। ये देखो तो जब ये हुआ तो यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन आ गया, कैल्शियम आयन कितना बुरा था, देखो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है देखो, यहाँ पर 0.1 है और यहाँ कितना है एस डैश, ठीक। देखो यहाँ से कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है ये हमें नहीं मालूम, एस डैश अब देखो इस फार्मूले में होल्ड करो तो कैसा बना था, कैसे करते तो KSP कितना है 2 × 10⁻¹, कैल्शियम आयन कितना था, ये इतना था ना, इसके रिस्पेक्ट में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं नहीं, इसको हम 0.1 बना देंगे, ये कितना है 0.1 है, ये कितना है एस डैश, एस डैश की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्ट 2 × −0.2 × 10⁻¹¹ 1.11 अच्छा नहीं नहीं 10 कितना हो जाएगा 0.1 आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा कि −9 तो यहां पर देखो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई है, देखो 2 × 10⁻¹¹ पहले देखो कितनी थी −5 चल रहा और कम, और देखो −9 बना दिया सब पे नहीं भाई। तो ये किस में आ रही है वैल्यू, कि फार्मूले से निकला है तो किसमें है मोल पर लेकर, दूसरे वाले केस में क्या है 2 × 10⁻¹⁹ मोल पर लीटर आया, ये ग्राम पर लीटर में कितना होगा, ग्राम पर लीटर में कितना होगा, उसका 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा। सर देखो क्लास में जितने इतने क्लास में बैठे हैं और हम सोचते हैं 2 के अलावा और कुछ नहीं पढ़ने का, सर पढ़ रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम समझे। देखो ये Cl2 में देखो कैसे की, फिर से देखो कॉमन आयन वाली जो प्रॉब्लम है उसको देखो, कॉमन आयन वाले में क्या था, एक कॉमन आयन मिल रहा था, हमें क्या करना है यहाँ इसका Ksp दिया है 2 × 10⁻¹⁹ इसका है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का Ksp लिखेगी इक्वेशन बना दी, ऐसा बनता ऐसा होता, इसमें इन सबकी वैल्यू Ksp हमें दिया है और जब ये इसमें दिया तो इस इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए, होल्ड करने के लिए क्या किया, कैल्शियम आयन निकाल दिए कितने, इससे इतने आ रहे थे इससे इतने आ रहे थे, अब देखिए कि इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर इसको निगलेक्ट करके इतना कर, कार्बोनेट हमें इतना यही एक जगह से आ रहा है इसका इतना हो गया, कह रहा है इस इक्वेशन में हमने यही चीज लगा दिया तो इसमें एस डैश बता दिया कितना होता है, और जब ये इतना हो रहा है तो
तो ये देखो किसमें आ रहा है, ये मोल पर लीटर में आ रहा है। कब? जब पहले से ऑलरेडी CaCl2 ने मिला रखा है, तो अब सॉल्युबल क्या होगा उसके बारे में। जैसे मान लो मुझे पानी लेते हो ग्लास, और एक ग्लास पानी में पहले से तुम नमक मिला लो, नमक मिला दिए, अब उसके ऊपर से अब हम चीनी मिलाना चाहते हैं, तो अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है। तो अगर मान लो एक ग्लास में एक ग्लास पानी भरा हुआ है, एक ग्लास पानी भरा हुआ है, कमेंटेन वाली सर आप सारे वो पहले चुपचाप रहो, बाकी को पहले समझ लेते। तुम्हान क्वेश्चन पूछो वो देखो, एक ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी में मान लो हमने 5 स्पून क्या कर दिया है, चीनी मिला दी, मान लो NaCl नमक मिला दिया है, और इसी में अब हम क्या मिला रहे हैं, मान लो हम चॉक मिला रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मान लो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी में हमने चॉक मिला, क्या इन दोनों के पास कोई चीज कॉमन है? नहीं। हमने मान लो चीनी मिला दिया, ये चीज हो सकता है, अगर हमने चीनी मिला दिया कुछ कॉमन है? तो जो जितना घुलता था वो उतना ही घुलेगा ना। लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई अकेले आयन को रहता नहीं, वो पूरा सॉल्ट मिला रहे हैं एक साथ। जब पूरा का पूरा सॉल्ट मिलाते हैं तो पूरे सॉल्ट का मॉलिक्यूलर में, पानी में कभी ऐसा नहीं होता एक चायन अलग कर दें, वो चायन अलग कर दें, ऐसा कर सकती वो पूरा एक साथ है। तो वैसे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक साथ है, वो जितना डिसॉल्व होगा तो दोनों साथ में ही होंगे, उसमें से कोई एक आयन कॉमन होगा तो उसका वो इफेक्ट अलग, समझे? तो वो आयन से नहीं लेना देना, आयन नहीं एक काम करेगा, कभी भी आयन का केवल मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिखा सकते, हमेशा सॉल्ट पूरा दोनों कैटायन और एनायन मिलके ही टूटा करें, ठीक है? अच्छा, अगर अब ये इस पे आ गया 2×10⁻¹ मोल पर लीटर, इसका ग्राम पर लीटर बनाते तो क्या होता, 100 से मल्टीप्लाई होता, ये कितना बन जाता 2×10⁻¹ ग्राम पर लीटर। अब इसी केस को हमने 0.2 मोलर Na2CO3 में मिलाया, बिल्कुल यही केस है, इसको ग्राम पर मोल करना, बिल्कुल ऐसे ही है, अब देखो इसमें क्या किया था इन्होंने, ये कहा कि अब Na2CO3 लेते, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट पहले से मिला हुआ, और जब Na2CO3 मिला दिया है तो वो क्या करता, ये ऐसे था, तो कह रहे इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये कितना लेके चले हो 0.2 Na कॉमन, ये देखो 0.2 मोलर था, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 0.2 सर, वो तो 2 है ना, वो 0.2
हाँ ये चला गया, ये पूरा कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये कंज्यूम हो गया यहाँ पर, और ये पूरा कन्वर्ट हो गया। अब कह रहे हैं पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जाता तो कैसे जाता, ऐसे जाता। तो इसका अगर हम केएसपी लिखे होते, इसका कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या था, देखो कैल्शियम आया और कार्बोनेट है, तो कह रहा है इस इक्वेशन को होल्ड करना है, कितना है इसकी वैल्यू केएसपी 2 × 10⁻²। तो कह रहा है कैल्शियम आयन कितने हो गए, एक देखो यहां से आ रहा है और यहां से देखो नहीं, इसमें ये कॉमन नहीं, इसमें क्या है कॉमन, कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट जब आयन कॉमन है तो देखो इसको हमने क्या मान लिया, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S" तो पहला काम क्या है, सबकी पहले कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, कह रहे हैं इसमें देखो